नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। थाना कुंडी क्षेत्र कोटा पंचायत में लखनपुरा डेरा पर बिंद परिवार में शादी के दौरान लावा लाने के समय कुछ समुदाय के लड़के महिलाओं के साथ छेड़खानी के क्रम में जिसके घर बारात आई हुई थी उनके घर के गार्जियन समझा शांति की गई। जब सुबह हुआ बारात विदा कर समाज सेवी वीर बहादुर बिंद, शिव कुमार बिंद, नागेश्वर बिंद, रामवत बिंद, सुरेश बिंद यादव घर पर जाकर समझा रहे थे कि हमारा सम्मान के साथ क्यों ऐसे व्यवहार क्यों किया। इतने में ही उस समुदाय के लोगों ने लाठी डंडा से मारने लगे, 5 लोगों को मार गिराया और कुछ दिन बीते बाद दिन में मिल रहे हैं, धमकी जाने आने पर भी दे रहे हैं। परेशानी बिंद परिवार के लोगों को जो खबर के माध्यम से देखने को मिलेगी। मैं नुआ प्रखंड और कोटा पंचायत के जो लखनपुरा गांव में आए हैं, विवादों के जरिए आज जानकारी लेंगे कि विवाद किस तरह से और कैसे हुआ है। तो इस जगह पर एक समाजी सेवी जो भाई हैं उनसे हम जानकारी ले रहे हैं कि विवाद की जरिया क्या है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। और ये जो समय लफड़ा हुआ था विवाद ये किस जरिए से हुआ है? देखिए, हमारे यहाँ एक शादी 8 को था, दूसरा शादी 10 को था। 8 तारीख को हमारे जो शादी था उसमें जो औरतें खाना भिजाने या में लोग छेड़छाड़ किए और तो जो लड़के तो मत छेड़छाड़ करते थे हम लोग मना किए खाना खिलाने। जब औरतें गई तो उस समय भी लोग जाकर के अंदर खाना खाते तो लोग बैंक बोला बोले हालांकि दर्द दर्द कर दिए उस समय काफ़ी तय थी। वही प्रक्रिया शुरू कर दिया जहाँ औरतें जाए तो हाथ वही करना शुरू कर दिया, जहाँ जाने जाए हर जगह से बीच बचाव करते करते पहुँच गया। लास्ट से मैंने पहुँचा फिर खाना खाने वाला समस्या, जैसे सारी औरतें खाना खाने शुरू की फिर वहाँ लोग पहुँच गया। लोग पहुँचा फिर हमने उनको मना किया कि आप लोग अंदर न जाए पंडाल में, आप लोग बाहर रहिए, हमारे पास लड़के हैं वो खाना खिलाएंगे, आपसे क्या मतलब। लेकिन उन्होंने नहीं माने। उसके बाद उन्होंने पतंग उठाया, हमने पतंग से ले लिया कि आप पतंग नहीं चलाएंगे, हमारे घर के लड़के हैं वो पतंग चलाएंगे, आपको क्या मतलब, आप खाना खाइए भर जाइए, आपसे क्या मतलब है चीज़। उसको लेकर के उन्होंने गाली गलौज यहाँ से शुरू किया, गाली देते हुए हम यहाँ से फिर पूरा यहाँ से करते करते लास्ट हो गया आगे तक। हम उस चीज़ को करीब फिलहाल काफ़ी देर तक लोग वहाँ खड़ा होकर लोग गाली दे रहे, तो हम जाके उनसे पूछे कि भाई क्यों गाली दे रहे, क्या मतलब है गाली, अरे घर में बारात आई है क्यों लफड़ा करना चाह रहे। सही बात है, इज्जत की सवाल है, इज्जत की सवाल है। तो उन्होंने बस इसी को लेकर के थोड़ा हताबाई हुआ, तब तक लाठी हमारे सर पर आप देख रहे होंगे, सर पर लाठी लग गया, लाठी लगने के बाद सच्चाई जो है ये। और जब लाठी डंडा चालू हो गया ये प्रशासनीय जो समय का आप लोग साहब उस समय तो झगड़ा जब चालू हो गया तो लोग गए थाने पर, हम भी गए। सबसे पहले कौन पार्टी किया? पाली पार्टी पहले वही गया, वही गया। हमारे घर में तो शादी था, हम पहले शादी देखे, बहन की शादी देखे कि पहले थाना पा जाए, हम तो सोचे कि इतना लफड़ा होगा नहीं, हम अपना शादी कराने में व्यस्त हो गए। शादी कराए सब कुछ कराने के बाद हमको चोट लगे, हमको अपना दवा खा करके अपना तुरंत अपना फिर शादी में ही लग गए। जब उन लोग केस दर्ज कर दिया था, जब आप लोग बाद में गए तो थाना प्रभारी आप लोग से किस तरह से मिले? थाना प्रभारी देखिए हम बता रहे हैं, जब वो हो गया तो सुबह का हुआ कि हम लोग अस्थिर हो गए, फिर वहाँ यहाँ कम से कम 100-150 के लोग आसपास वहाँ से इकट्ठा हुए, लोग इकट्ठा होकर के वहाँ से गाली देना शुरू कर दिए थे।